यहां से जा रहे हैं। ये डेंजर पोजीशन में गिराया था, चार पॉइंट लिए थे, उसके बाद बहुत देर तक अपनी ग्रिप में उलझाए। रवि दहिया इससे पहले गोल्ड जीत चुके हैं और अब बारी है विनेश फोगाट की। दोस्तों देखना बस यही है कि कितनी देर में विनेश ये मुकाबला जीतेंगी, क्योंकि पलड़ा उनका जाहिर तौर पर भारी है, लेकिन चिको कुछ नहीं है। क्या कहीं विनेश की पार्टी वो खराब कर सकती है? असंभव है, लेकिन होनी को कुछ भी हो सकता है। आपकी बात मान भी ली जाए सुनील, नहीं मेरी अगर... बात तो ये कि विनेश गोल्ड ला रही है। उत्तर नहीं आंक सकते और आंकड़ा भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विनेश यहाँ पर ये मुकाबला रह भी जाती है तो भी गोल्ड विनेश का ही है, लेकिन श्रीलंकन रेसलर का फायदा जरूर हो जाएगा, वो सिल्वर या ब्रांस पे आके खड़ी हो जाएगी। इसमें है विनेश, चार पॉइंट की लीड है। पावलिना जियोर्जियू देख रही है कि दोनों कंधे मैट पे कब लगाएंगी विनेश। विनेश घुमा दीजिए, चमोदियम की छत भी दिखा दीजिए, पर चमोदिया की तारीफ है, अब तक तारीफ है। जिस पोजीशन में विनेश हैं, दोनों कंधे उनके मैट, प्लीना जियोर्जियो भी देख रही हैं कि दो कंधे मैट पे लगे या नहीं। पीछे क्या खुद ही ये गिवअप कर सकती हैं, क्योंकि एकदम किसी भी तावलिना जियोर्जियो कितना टाइम ले रही है अपना फैसला बनाने में, क्योंकि उनको दोनों कंधे मैट पे चाहिए। चमोदिया पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है, विनेश कोई आसार नहीं मिल रहे चमोदिया को इस पकड़ से छूटने के, और पावलिना लगातार मैच चेयरमैन की तरफ भी देख रही हैं कि क्या करूं। बिल्कुल नहीं, जब तक शोल्डर नहीं लगते हैं बाइफॉल नहीं माना जाता, और डेंजर पोजीशन में चाहे पूरा समय समाप्त, रेफरी मैच चेयरमैन जज इसको छुड़ाने के लिए कभी भी छुड़ा नहीं सकते। इसलिए चार पॉइंट विनेश को मिले थे। ये मूव तब तक चलता रहेगा या तो राउंड, तीसरी लगातार जीत विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए, 11वां गोल्ड मेडल फोगाट और भारत। लगातार तीसरा गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत, और आज के दिन रेसलिंग से मिलने वाला ये दूसरा गोल्ड मेडल है। रवि कुमार दहिया और अब विनेश फोगाट जैसी आशा